फोर टाइप्स ऑफ चिया पुडिंग लूज थ्री के जी इन फोर डेज चार दिन में आप तीन के जी घटाइए शर्थिया और ये चिया पुडिंग जो फोर फोर वराइटी का है फोर टाइप्स का है ये आपको इसमें से एक वराइटी है जो आपकी यूटीआई और वर्जाइनल इन्फेक्शन पे या येस्ट इन्फेक्शन पे बहुत अच्छा काम करेगी दिस इज गुड फॉर यूटीआई एंड वर्जाइनल इन्फेक्शन हाय एवरीवन मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ एम डी इन नेचुरोपैथी नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल तरीके से करता है तो आज मैं लेकर के आई हूँ ये चिया पुडिंग और ये फोर वराइटी के हैं फोर अलग अलग दिन में खाने वाले हैं तो इसका मैं पूरा टाइमिंग्स बताऊंगी बहुत ही डिलीशियस है और कुछ ऐसा है एक इसमें चार तीन है जो आपके डाइट का हिस्सा है और एक एडेड एडवांटेज दिया है जिनको भी वर्जाइनल इन्फेक्शन गेस्ट इन्फेक्शन ईचिंग या यूटीआई की प्रॉब्लम है, उनके लिए यह बहुत अच्छा है बहुत ही बेनिफिशियल है इस वीडियो में मैंने चिया पुडिंग की चार वैरायटी बताई है तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए डिटेल में ना जाते हुए सीधा मैं चिया पुडिंग पे आती हूँ तो फर्स्ट है मैंने पहले यहाँ पर टू टेबल स्पून के करीब मैंने चिया सीड लिया है ये चिया सीड रियल चिया सीड है जो धब्बेदार होती है ब्राउन एंड ब्लैक कलर की होती है और टू हंड्रेड वाटर मिलाया है इसमें और टू टेबल के करीब जो मैंने सिरप बताई थी स्टीविया की वो डाल रही हूँ और वन टी स्पून वनीला एसेंस है ये ये मिला दूंगी मैं और इसको मिलाने के बाद करीबन रात को आप मिला के रखो अगर सुबह खाना है तो और ये एक दिन का डोज है जो मैं बता रही हूं क्योंकि तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कितने दिन का अगर आपको दो दिन का बनाना है एक बार में आप तीन दिन का बना सकते हैं उसके बाद खराब हो जाता है तो तीन दिन का बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना थ्री से रात भर के लिए रख दूंगी और फिर रात भर जब ये सोख हो जाएगा तो नेक्स्ट डे सुबह ऐसा लगेगा कुछ ये बिल्कुल स्लाइमी सा हो जाता है ये अलग अलग इंडिविजुअल नहीं रहता है आपस में देखिए मिक्स हो जाती है ये चीज और ये अब इसके बाद इसमें दूसरा फ्लेवरिंग करनी है तो स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले जो आपको मॉर्निंग में लेना है उस फ्लेवर से जो सबसे हाई कैलोरी है वो फ्लेवर मैं उठा रही हूँ यहाँ पर मैंने यूज किया है आम मैंगो मैंने लास्ट ईयर भी मैंगो प्रोटीन शेक बताई थी उसमें मैंने मैंगो यूज किया था लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें लिक्विड ज्यादा नहीं है तो जिंजर डाल रही हूँ ताकि मैंगो का इन्फेक्शन ना लगे तो यहाँ पर जिंजर मैंने हाफ इंच लिया है और मैंगो मैंने यहाँ पर हंड्रेड ग्राम ली है इसको पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बनाने के बाद एक बाउल में निकाल लीजिए अगर थिक बहुत ज्यादा होता है तो इसमें एलमंड मिल्क या सोया मिल्क आप मिला सकते हैं और नहीं तो थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं कि थोड़ा सा लिक्विड हो जाए फिर मैं इसमें डालूंगी जो चो शोक चिया सीड था उसमें से करीबन थ्री टेबल स्पून के करीब डालूंगी और ये जितना बनाया है ये हर वेरायटी में यूज हो जाएगा अभी उसके बाद इसको मिक्स करेंगे सिंपल है ये आपका ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो गया ब्रेकफास्ट से पहले का मील है ये आप जो भी आपको प्रॉब्लम है जो कुछ भी आप दवाइयाँ खाते हैं उसके बाद अगर आप कोई टी ले रहे हैं येलो टी या कलुंजी टी कुछ ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं मेथी अगर ले रहे हैं तो मेथी ले लो उसके बाद दस मिनट का गैप करके इसको खाना है और उसके इसके, इसके बाद 10 मिनट का गैप करके कोई ब्रेकफास्ट आप लेंगे तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को भी बूस्ट करेगा इंटेस्टाइन को सुबह सुबह ही किक दे देगा आपके बॉडी को कि अब इसको काम के लिए लग जाना है नेक्स्ट है कीवी का पुडिंग वो ये आपको खाना है करीबन बारह एक बजे के करीब और अगर आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ सैलड या हल्की चीजें ले रहे हैं तो उसके साथ ये ले सकते हैं लेकिन जो भी लेंगे आप उसमें करीबन दस मिनट का गैप होगा तो बारह बजे से दो दो ढाई बजे के बीच तक आप ले सकते हैं यहाँ पर मैंने फिफ्टी ग्राम कीवी लिया है और करीबन टेन ग्राम के करीब पम्पकिन सीड लिया है और पानी डाल रही हूँ उसमें ट्वेंटी एम इसको पेस्ट बना लेंगे इसको मिक्स करके पेस्ट बनाएंगे दोपहर में नट्स की थोड़ी जरूरत होती है प्रोटीन की हमेशा जरूरत होती है और कीवी एक विटामिन सी का अच्छा सोर्स है तो ये आप ले सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है डिलीशियस होता है अगर आपको ये मीठी नहीं लगती है तो ऐसे में आप इसमें दो चार ब्लैक किशमिश डाल लो नहीं तो अगर आपको ये कीवी मीठी लग रही है तो कोई एडेड चीजें डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी चिया सीड में मैंने स्टीवी ऐड किया हुआ है सोक करने टाइम ही तो मैं एक्स्ट्रा नहीं लेती हूँ अगर आपको लगे तो आप ब्लैक किशमिश डाल सकते हैं फिर तीन थ्री टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी और मिक्स करूंगी ये जितनी भी रेसिपी है ये बहुत इजी है कि कीवी मैं आपको दोपहर में इसलिए बता रही हूँ कि दोपहर का टाइम विटामिन सी को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे हाई टाइम होता है और जिसको भी एथराइटिस की या बॉडी पेन की प्रॉब्लम उसके लिए कीवी बहुत अच्छी चीज है कोई दवाइयों से ज्यादा बेहतर है हिडन पेन एक एक पोमोग्रेनेट कीवी ये दो आपके छुपे हुए दर्द को निकालता है तो ये भी हो गया आपका बनके तैयार ये एक बाउल आप लंच के टाइम में 10 मिनट का गैप रख के आगे पीछे जब भी आप इसको खा सकते हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके बॉडी के लिए नेक्स्ट है जो ऑप्शनल है अः ये है आपका प्लम चिया सीड का पुडिंग और ये पुडिंग मैंने स्पेशली यूटीआई के पेशेंट के लिए या वजाइनल इन्फेक्शन या येस्ट yes इन्फेक्शन के पेशेंट के लिए बनाया अगर आप कीवी नहीं लेते हैं तो आप ये दोपहर में ये ले सकते हैं बहुत ही बेनिफिशियल है फुल ऑफ विटामिन सी है और बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन को हटाता है प्लम किस किस तरह का आप ले सकते हैं एक तो मार्केट में ये इंपोर्टेड प्लम आती है ये ले सकते हैं और एक ये देसी होता है ये छोटा होता है या फिर ये आपका रेड रंग का होता है ये मैं सारे ढूंढ के कलेक्ट करके लेकर आई हूं कि इसमें से आपको कोई भी मिल जाए ये उतना ही फायदा करेगा तो छोटा वाला मैं यहाँ पर काट के दिखा रही हूं ये इम्पोर्टेड नहीं है और ये बहुत पल्पी है बिल्कुल जूसी है मेरा छुरी बहुत तेज है इसलिए कट जा रहा है दूसरी बात ये कैंडल लाइट में मैंने काटा है तो थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है लाइट चली गई थी इस टाइम पे इसको काट लेंगे और आपके पास अगर इम्पोर्टेड है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं इसके इसके प्लम के अंदर किसी भी इन्फेक्शन को इंटेस्टाइन के अंदर या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो किसी भी तरह के इन्फेक्शन को हटाने की बहुत हाई पावर होती है तो जब आप प्लम लेते हैं किसी भी चीज़ में या नॉर्मल डे टू तो डे लाइफ में तो आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो बहुत ईजिली वो रिमूव होता है सेकेंड चीज़ मैं यहाँ पर लूंगी क्रैनबेरी क्रैनबेरी में अक्सर मैं बताती हूँ लोगों को कि क्रैनबेरी से इन्फेक्शन वर्जाइनल इन्फेक्शन बहुत इजीली जाता है फीमेल के लिए बहुत इजी होता है उससे इन्फेक्शन को हटाना यहाँ पर मैंने टे, टेन एम एल पानी डाला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जूसी है तो इसको फिर पेस्ट बना लूँगी और क्रैनबेरी आपको या तो ड्राई फ्रूट की दुकान में मिल जाएगा अगर इसमें से कोई भी चीजें नहीं मिलती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा वहां से भी ले सकते हो लेकिन ड्राई फ्रूट के दुकान में ईजिली मिल जाती है ये ये इस, इस पेस्ट में फिर मैं थ्री टेबलस्पून चिया सीड मिला रही हूँ यहाँ पर ये ध्यान रखना आप बेजल सीड नहीं डालेंगे जो सब्जा मार्केट में मिलता है वो नहीं डालेंगे चिया सीड ही डालनी है तो वो कंफ्यूजन मैं दूर कर रही हूँ ये मिक्स करो अगर आपको इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ है तो कीवी की जगह ये खाओ और अगर आपको बॉडी पेन की प्रॉब्लम है तो आप वो खाओ और अगर आपको दोनों प्रॉब्लम है तो अल्टरनेट डे करके खाओ एक दिन ये खाओ और एक दिन वो खाओ लेकिन एक दिन में थ्री बाउल्स थ्री वराइटीज ही आप खा सकते हैं ये चीज ध्यान रखिए और तीन दिन का इकट्ठे बनाकर रख सकते हैं अब फाइनल है ये है सो स्ॉपर सबसे डिलीशियस सबसे फुलफिल करने वाला जो फाइनल रात का जो ये चिया सीड का पुडिंग है और ये आप रात में खाएंगे करीबन नौ बजे के बाद आफ्टर नाइन ओ क्लॉक और आफ्टर टेन ओ क्लॉक लेट नाइट डिनर है ये जब आपको भूख लगती है आप क्योंकि आप साढ़े आठ बजे या आठ बजे खा लेते हैं तो आपको भूख लग जाती है कि दस बजे भूख लग गई है ग्यारह बजे भूख लग गई तब आपको ये लेकर खाना है इसमें मैंने यूज किया है यहाँ पर मैंने यूज किया सोया मिल्क हंड्रेड एम एल आप आलमंड मिल्क भी यूज कर सकते हैं या कोकोनट मिल्क भी यूज कर सकते हैं क्योंकि मैंने सोया मिल्क यूज किया है इसलिए यहाँ पर मैं वन टेबल स्पून के करीब आलमंड पाउडर मिला रही हूँ लेकिन अगर आप आलमंड मिल्क यूज करते हैं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मिलाना ये और यहाँ पर मैं बाकी के जो है यहाँ पर फोर टेबल स्पून के करीब ये बच गया था चिया सीड वो मैं मिक्स कर दूंगी इसके अंदर और इसको मिला देंगे और ये आपका पुडिंग तैयार हो गया है इस पूरे पुडिंग के मेजरमेंट में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मेरी पहली कमेंट में मिलेगा जो नीचे कमेंट बॉक्स में होता है तो वो क्लिक करके आप देख सकते हैं अब ये फाइनल हो गया है मैं इसको बॉल में निकाल ले रही हूँ रात के टाइम जब भी आप पुडिंग लेते हैं या कोई चीज लेते हैं उस समय नट्स की बहुत जरूरत होती है एक्स्ट्रा ऑयल की बहुत जरूरत होती है ताकि बॉडी अच्छे तरह से रिपेयर हो पाए तो यहाँ पर मैं Uh, मेरे पास ये पंपकिन सीड था तो वो ले रही हूँ साथ में मैं ले रही हूं यहाँ पर सनफ्लावर सीड ये देख लेना आप एलर्जिक तो नहीं है सनफ्लावर सीड के आप थोड़ा बहुत खा करके लेकिन इससे रात भर में बहुत अच्छी विटामिन ये बॉडी में जाती है और बहुत रिपेयर करती है आपके बॉडी को उसके अलावा क्लिनिंग के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक किशमिश ले रही हूँ ब्लैक किशमिश अगर सीड वाला मिलता है तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो पिकॉस और पिकॉट थायराइड पेशेंट के लिए रामवर्ण की तरह होता है प्लस मैंने क्रैनबेरी लिया है टेस्ट के लिए अगर आपके पास नहीं है तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उतना लेना ये रात में ध्यान रखना है ये लेट नाइट डिनर है जब आपको भूख लगती है एक डिनर लेने के बाद तब ये खाना है और ये रात भर में आपके बॉडी से पूरे टॉक्सिंस को निकालेगा डिटॉक्स करेगा और हर तरह का पावर आपके अंदर देगा ये थ्री डेज का मैंने बनाकर इकट्ठे रखा है इसलिए मैं ये फोटो दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि फ्रिज में तीन दिन का बना के रखा जा सकता है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही यही होती है कि क्या हम ज्यादा बना के रख सकते हैं तो हाँ बिल्कुल आप ज्यादा बना के रख सकते हो और उसको खा सकते हो और मैंने सनफ्लावर सीड नहीं डाला था अगर आपको क्रैनबेरी वाले पुडिंग में सनफ्लावर सीड डालना हो तो बिल्कुल डालिए उससे भी आपको बहुत अच्छा बॉडी में रिपेयर मिलेगा क्योंकि सनफ्लावर सीड अपने आप में इचिंग इन्फेक्शन को हटाने के लिए बहुत 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 अच्छी चीज होती है तो ये मैंने दिन के तीन टाइप के बताए एक ब्रेकफास्ट का मैंगो पुडिंग उसके बाद एक बताया मैंने कीवी या फिर क्रैनबेरी का पुडिंग और फाइनली रात को मिल्क पुडिंग जो कि या तो सोया मिल्क या आलमंड मिल्क में आप बना सकते हैं इसके साथ डाइट क्या लेना नॉर्मल आप ब्रेकफास्ट में हैवी डाइट लेंगे लंच में आप लाइट डाइट लेंगे और अगर आपको ये आइडिया नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंक कमेंट में आपको मेरा लंच आइडिया और ब्रेकफास्ट आइडिया मैं लिंक दे दे रही हूँ तो उसको जरूर देखें ताकि आपको एक लग जाए कि क्या लेना है। भी डाल दूंगी ताकि आपको ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा लेकिन फिलहाल यह है जिससे कि आपका अगर आप वो दोनों वीडियो और इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से जो मैं आपको बता रही हूं वो टारगेट अचीव कर सकते हैं तो रिटर्न मेजरमेंट आप वेबसाइट पर देखे जाके देखिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए मैं आपके सारे क्वेश्चन पढ़ती ज़रूर हूँ ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन पढ़ती नहीं आंसर देना थोड़ा मुश्किल होता है ताकि मेरी लिस्ट मजबूत हो और मेरे आगे के वीडियो में मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ तो अगर मेरी ये रेसिपी इन्फॉर्मेशन मेरा ये रिसर्च आपको अच्छा लगा हो इसके पीछे का साइंस आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें इसको थम्सअप ज़रूर करें मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाए प्ले में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सके सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि एक वीडियो में दो तीन रेसिपी इकट्ठे बता पाऊं ताकि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपको मिल सके तो फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी इन्फॉर्मेशन स्किन केयर या हेयर केयर के साथ तब तक के लिए बाय